हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, और आपको नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलो, खैर, आज 4 ही तारीख है, परंतु 2021 का मेरा पहला लेक्चर है फिजिक्स का। सो हैप्पी न्यू ईयर। बाद में, एडवांस में नहीं है, बाद में ही हुई हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, कोई बात नहीं। आज हम जो है बेसिकली ऑप्टिक्स करेंगे, ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बोलूं कि जो ऑप्टिक्स होती है ना, बच्चों को आखिर डराया जाता है बेसिकली कि ऑप्टिक्स तो बड़ा ही खतरनाक टॉपिक है बेटा, आप जरूर फंसेंगे। बट मैं ये नहीं मानता। ऑप्टिक्स इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, अगर आप ऑप्टिक्स को अच्छे से समझते हैं तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पूरी फिजिक्स में यही लगेगा। सो लेट्स बी स्टार्ट दी ऑप्टिक्स। आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन करेंगे भी ऑप्टिक्स होती क्या है, ऑप्टिक्स में मेन मेन क्या चीज पढ़ेंगे आप। ठीक है, बाकी कल हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे, आज हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स को आप हिंदी में बोलते हैं ना प्रकाशिकी। प्रकाशिकी जिसने 10th में हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा उसलिए अच्छा है उसके लिए ये। ऑप्टिक्स बेसिकली आपकी फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें आप रे ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं। बेसिकली लाइट की स्टडी जिसमें की जाती है, ठीक है, उसको ऑप्टिक्स बोला जाता है। एक्चुअल में जो ऑप्टिक्स होता है आपका, बेसिकली टू ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज दी रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। सेकेंड वन इज दी वेव ऑप्टिक्स, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। दो बेसिकली पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है प्लस टू में, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बेसिकली सिंपली रे मिरर लेंस की स्टडी करेंगे। वेव ऑप्टिक्स में आप वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कोई फिनोमिना हो रहा है, जैसे इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है, डायफ्रेक्शन हो रही है, पोलराइजेशन हो रही है, तो वो सारी चीजें आपकी वेव ऑप्टिक्स में आएंगी। बेसिकली यूनिट एक्चुअल में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिट इसको 6 बोला जाता है। ऑप्टिक्स को यूनिट 6 है, ये सिलेबस में मानी जाती है। यूनिट 6 इज अ वेरी लेंथी यूनिट, यू विल वेरी नो दैट बिकॉज दिस इज अ वेरी लेंथी यूनिट। देर आर 8 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स बेसिकली इसमें है आपके ऑप्टिक्स में। बट लॉकडाउन की खुशकिस्मती है कि बहुत से टॉपिक और मेनली 2 चैप्टर तो इन्होंने डिस्कार्ड ही कर दिए सिलेबस में, है नहीं, छोड़े ही नहीं है ऑप्टिक्स के। ठीक है, तो बेसिकली रे ऑप्टिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स में पहले 4 चैप्टर है, अदर 4 फिफ्थ चैप्टर से वेव ऑप्टिक्स में आता है। रे ऑप्टिक्स में पहला है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड है आपका रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, थर्ड है बेसिकली आपने 10th में भी पढ़ रखा है, बेसिकली रिफ्लेक्शन का भी आपने पढ़ा है, सारी रे डायग्राम्स बनाई है। ठीक है, थर्ड है आपका डिस्पर्जन, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फोर्थ चैप्टर है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि ऑप्टिक्स में कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, अब वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो फिफ्थ चैप्टर से आता है। यहां पर जो फिफ्थ चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाइजंस प्रिंसिपल, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से एवरी ईयर रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। सिक्स्थ चैप्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सेवेंथ दैट इज
डायफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, एंड लास्ट दैट इज एट्थ चैप्टर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, सारी ऑप्टिक्स ही अच्छी है अगर हम अच्छे से देखें तो दीज आर दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स एंड चैप्टर्स इन द 12th एग्जामिनेशन। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स आते हैं, बट 30% रिड्यूस भी तो हुआ सिलेबस पूरे फिजिक्स में, हर एक सब्जेक्ट में। तो इस ऑप्टिक्स में कौन से टॉपिक है जो डिस्कार्ड किए गए हैं? फर्स्ट चैप्टर बेटा पूरा ही कट कर दिया गया है। बिकॉज क्यों किया गया? क्योंकि इसमें जनरल सी बातें थी, विच यू विल, आपने जो चीजें पहले पढ़ दी हैं, विच यू लर्न्ड इन द 10th स्टैंडर्ड। ओके, आपने साइन कन्वेंशन भी पढ़े हुए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े हुए हैं, उसके बेसिकली प्रिंसिपल्स भी पढ़े हुए हैं आपने, और रिलेशंस भी पढ़े हुए हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस क्या होता है, कर्वेचर, फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। मिरर फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है आपने, तो इसलिए इसको पूरा डिस्कार्ड कर दिया गया है सिलेबस से, मतलब इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला। रिफ्रैक्शन रखा गया है, डिस्पर्जन भी रखा गया है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस से कट कर दिए गए हैं, बिकॉज इसमें आई वगैरह का जो पढ़ा हुआ है आपने, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस्बायोपिया, बाकी जो चीज थी यहां से आती थी एवरी ईयर, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल, और वो तो आने चाहिए थे, बट वो कट कर दिए। वेव ऑप्टिक्स में हाइजेंस प्रिंसिपल रखा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रखी है, डिफ्रैक्शन रखा हुआ है, बट डिफ्रैक्शन में आपका जो डिस्कार्ड पोर्शन है वो भी है, जैसे रिजॉल्विंग पावर्स टेलीस्कोप की और माइक्रोस्कोप की, वो कट कर दी गई है, और पोलराइजेशन को भी रखा है एज इट इज। तो दीज आर दी 30% रिड्यूस सिलेबस विच कैन बी डिस्कार्डेड फ्रॉम योर ऑप्टिक्स। सो लेट्स वी स्टार्ट विद ऑप्टिक्स। हम बेसिक्स आज बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी ऑप्टिक्स को पढ़ने से पहले। तो हमें उन टर्म्स को समझना है, हमें उन टर्म्स को समझना है जो हमने आगे पढ़नी है, और अगर उन टर्म्स का हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम ऑप्टिक्स को नहीं कर पाएंगे। वी कांट फाइंड द न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑप्टिक्स, वी कांट डेराइव द डेरिवेशंस ऑफ ऑप्टिक्स। सो लेट्स वी स्टार्ट ऑप्टिक्स विद अ सम बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, बेसिकली लाइट पर ये जो है आपकी बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द पॉइंट, अगर मान लीजिए रेस इस तरफ से इस पॉइंट की तरफ आ रही है, मतलब इनका एरो, सूर्य की किरणें इस बिंदु पर पड़ रही है, तो इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग। क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग। क्या बोला जाता है बेटा? कन्वर्जिंग इसको बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। और अगर अगर इस बिंदु से ये निकल रही है, इफ रेस फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द डायवर्जिंग। इसको बोला जाता है बेटा डायवर्जिंग। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एंड अगर आप बोलते हैं कलेक्टिवली बहुत सी रेज आ रही हैं, तो उनको रेज नहीं बोलेंगे, इनको बोला जाएगा बीम ऑफ लाइट। क्या बोला जाएगा? बीम ऑफ लाइट। और सिंगल को बोलेंगे रे। अगर एक ही दी है, दिस इज द रे। दीज आर द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, एंड ऑल्सो वी डिस्कस नेक्स्ट। अब हम साइन कन्वेंशन की भी बात करेंगे बेसिकली, और कुछ टर्म्स की भी बात करेंगे कि होती क्या है ये चीजें। थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये होता क्या है बेसिकली, ये होती क्या है ये चीजें, क्योंकि अदरवाइज हम नहीं जान पाएंगे कि क्या है ये, हम नहीं पता लगा सकेंगे कि ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है ना। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा टेंथ का भी रिव्यू करते हैं। देखिए, बेसिकली ये लेंस होता है, लेंस
का हाफ है ये लिया हुआ, दिस इज कॉल्ड एज द मिरर। एंड विच मिरर? यू लर्नड दैट इन प्रीवियस 10th स्टैंडर्ड, दिस इज द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, दिस इज द कॉनकेव मिरर। बट हमें यहां मतलब नहीं है कि ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, हमें मतलब है टर्म्स समझने से, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम नहीं लिखेंगे कि कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, वी कांट राइट। ओके, सो देखते हैं, ये जो आपका पूरा घेरा माना जाता है ना, ये जो जैसे एक तरह का आधा हिस्सा है, तो इसको बोला जाता है, जैसे मान लीजिए ए और बी, तो इसको बोला जाता है अपर्चर। क्या बोला जाता है? अपर्चर। क्या बोला जाता है? अपर्चर। पता होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। और यहां से एक एक्सिस आप खींचते हैं, इस एक्सिस को आप बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी एक्सिस पर सारी चीजें इंटरसेक्ट भी होंगी और इसी पर मिरर भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसा पॉइंट जहां पर ये मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करता हो, उसको बोला जाता है पी, दैट इज पोल। इसको बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है? पोल। और पोल का बहुत बहुत ज्यादा रोल है ऑप्टिक्स में। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, पोल का फायदा ही फायदा है, क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम दिस पोल यू विल लॉ यू लर्न इन दिस साइन कन्वेंशंस इन प्रीवियस क्लासेस, दैट इज 10th स्टैंडर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वी स्टार्ट। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अब मान लीजिए हमने ये सर्कल लिया है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, दिस इज कॉल्ड एज द सी। इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, बेसिकली पहले हम टर्म्स की फिर डिस्टेंसेस की बात करते हैं, सभी की डिस्टेंस की बात करेंगे कि कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कौन इमेज डिस्टेंस है, कौन फोकल लेंथ है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका जो हाफ होगा सेंटर कर्वेचर का और पोल का, जो हाफ होगा मतलब आधा होगा, जिस पॉइंट पर ये हाफ होंगे उसको उसका फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस। क्या कहा जाता है? फोकस। ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी होंगी और करनी पड़ेंगी। दिस इज कॉल्ड एज द फोकस, दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द अपर्चर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हिच इज द बेसिस ऑफ ऑप्टिक्स। ओके, एंड अब हम फाइंड करते हैं बेसिकली डिस्टेंसेस एंड साइन कन्वेंशंस जो है, हम देखते हैं कि साइन कन्वेंशंस में मतलब कि अगर आपको साइन कन्वेंशन पता नहीं होंगे तो आप जो है कभी भी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बेसिकली अगर साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया तो आपके क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। बेसिकली मिरर का काम क्या होता है? रिफ्लेक्ट करना लाइट को, ठीक है। हम मिरर के सामने खड़ते हैं तो हमें अपनी ही इमेज दिखाई देती है। तो मान लीजिए कोई बंदा यहां खड़ा हुआ है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं सेंटर पे, मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर सी पे। और पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आपका पोल से सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बोला जाता है। तो ध्यान रहे, दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब जस्ट मैं बात करता हूं कि मैंने माना कि मैंने कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लीजिए मैंने सी पर ही ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लीजिए मैंने सी पर ही ऑब्जेक्ट रख दिया, तो क्या होगा? दिस इज द ए एंड दिस इज द बी ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट ओ है और मानते हैं इसकी हाइट एच ओ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की हाइट है एच ओ, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब मान लीजिए रे यहां से टकराती है, आप
आपको पता है कि जब सेंटर पे रखी होगी तो कहां बनेगी, इमेज बनने वाली है फोकस पे, मतलब कि आई भी यहीं पर बनेगी, फोकस पे इमेज बनने वाली है, यही इसकी फोकल लेंथ भी, यही इसका इमेज डिस्टेंस। तो देखिए ये इसकी इमेज यहां पर बनेगी, ठीक है ना, बट इससे हम, इस पोर्शन से हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा हमारा फोकल, फिर कंफ्यूज होंगे कौन सी फोकस लेंथ है और कौन सा, इसलिए हम यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे। मान लीजिए हमने जनरली कोई कुछ किया ही नहीं, बेसिकली एक समझाने के लिए मैंने आपको लेके चले कि ये फोकस है, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट मैं कहीं यहां पर रखता हूं, दिस इज द ए, आप कंसेप्ट पर मत जाइए, आप समझने पर जाइए, टर्म्स समझिए। यहां से लाइट आती है और मान लीजिए ये मिरर के पीछे बन जाती है, मान लीजिए ये यहां पर बन जाती है, ठीक है, और ये इसका फोकस होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। मान लीजिए इमेज बनती है यहां पर, ठीक है, मतलब कि ये इमेज बनी ऐसे ए डैश बी डैश, जस्ट इमेजिन, इमेजिन कीजिए टर्म्स समझने के लिए, ठीक है ना। अब पहला साइन कन्वेंशन क्या बोलता है आपको, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल, मतलब आपने ये पता लगाना है कि इस पोल से, या ऐसा पता लगाना है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, तो आपने वो यहां से मेजर करना है, मतलब कि यहां से आपने इस तरफ मेजर करना है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम दिस पोल। अगर आप यहां से, अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं यहां ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज मेरी यहां बन रही है, और मैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख रहा हूं, तो वो तो सेम आ जाएंगे, वही इमेज और वही ऑब्जेक्ट, कि मैं यहां से, वो यहां से मेजर करने लगे यहां तक, वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए इस चीज से निकलने के लिए साइंटिस्टों ने एक उपाय निकाला कि क्यों ना सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाए, तब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को चला जाएगा, इमेज का इमेज को डिस्टेंस चला जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है, ओके। और अब यहीं से हम इमेज का डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं, तो यहीं पोल से उठाइए, तो ये बनी आपकी इमेज यहां पर, तो इमेज डिस्टेंस को स्मॉल वी से डिनोट किया जाता है, क्लियर। अब और बात, अब ये फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा, इस तरफ ले लीजिए चाहे इस तरफ ले लीजिए, उसको आप फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ भी कहां से मेजर होगी, पोल से, स्मॉल एफ, इस साइड भी तो इस साइड भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज ए स्मॉल एफ, दिस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करके रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके। अब देखिए साइन कन्वेंशंस बोलते हैं, पहला तो साइन कन्वेंशन हमने कर लिया कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये इमेज की हाइट है, मतलब साइज है इसका एच आई। अब देखिए अगर, अब साइन कन्वेंशंस का मतलब है कि कहां हमने प्लस का साइन लगाना, मतलब पॉजिटिव रखनी है कौन चीज और कौन चीज नेगेटिव रखनी है, हमें समझना है। और ध्यान रहे U इज ऑलवेज पॉजिटिव, U हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, क्योंकि U ने तो तीर छोड़ा तो वो आगे को जाएगा, नीचे उसके वापस तो उसके अगेंस्ट तो आ नहीं रहा है। ध्यान रहे एक ट्रिक होती है, ट्रिक क्या, ये जनरल सी चीज है, जिस तरफ रे जा रही है, अगर इमेज आपकी रे की डायरेक्शन में ही बन रही है, जैसे मान लीजिए यहां से रे निकली और रे चली टकराई और फिर से इसी डिस्टेंस में चली, मतलब इसी अपनी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब आगे को ही जा रही है, अगर इमेज आगे बन रही है तो वी को आप पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे वी को,
डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, साइज पॉजिटिव नहीं लिया जाएगा, क्योंकि साइज क्यों पॉजिटिव नहीं लिया जाएगा, एच आई इसलिए इसका नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि ये आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर इमेज आपकी ऊपर की तरफ बनती है, अपवार्ड बनती है, तो ये पॉजिटिव मानी जाएगी। मैं हाइट की बात कर रहा हूं, मीन साइज की बात कर रहा हूं। अगर डाउनवर्ड जाती है तो ये नेगेटिव मानी जाएगी। बाकी डिस्टेंसेस का हम देखेंगे कि अगर इमेज डायरेक्शन में आगे ही बन रही है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा। बी को यू कांट बी नेगेटिव बिकॉज यू ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। और अगर इमेज बाई चांस, अगर इमेज बाई चांस उसके अगेंस्ट बन रही है, मान लीजिए कोई रे आई और यहां फोकस पे टकराई, मतलब इमेज तो यहां बनी, इमेज यहां बन रही है, ठीक है। तो मतलब अब देखो यहां क्या हो गया, ये आगे को जा रहा और ये ऐसे को, मतलब अपोजिट हो गए। जहां आपने पढ़ा अभी था एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वहां एफ इज इक्वल टू एफ नेगेटिव आती थी, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। तो उसी तरह यहां पर इस रे के अगेंस्ट जो है इमेज बन रही है, पीछे को इमेज बन रही है, तो दैट इज वी आपका नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा। ये जनरल सी चीजें हैं जो साइन कन्वेंशन में होती हैं, ये आपको समझनी थी। दीज आर दी बेसिक्स, दीज आर दी बेसिक्स, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ आ गई तो आप इजिली उड़ान ले जाएंगे नेक्स्ट जो आपके कंसेप्ट्स हैं, ओके अंडरस्टैंड। अब देखिए बेसिकली रिफ्रैक्शन तो हम कल से स्टार्ट करेंगे, बट देखो रिफ्लेक्शन मेनली सिलेबस से कट कर दिया है, बट मैं एक दो फॉर्मूले आपको रिमाइंड करवा देता हूं, ध्यान रहे, आपको डायग्राम से ही समझ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये कोई पोल है और ये इसका फोकस है और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, मतलब दिस इज दी फोकल लेंथ स्मॉल एफ एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, जस्ट समझने के लिए। अब कई बार फॉर्मूले में आता था, सम टाइम फॉर्मूला में आपको एक बात यूज होती थी, ठीक है, कि जो रेडियस होता था, रेडियस का मतलब है, अब देखो ना यहां से यार, रेडियस कितना है, ट्वाइस ऑफ एफ है, मतलब कि अगर तुम दो फोकल लेंथ को बन रखोगे तब जाके तुम्हारा एक रेडियस बना, क्योंकि रेडियस का आधा फोकल लेंथ है, रेडियस का आधा फोकस है, क्या है, रेडियस का आध क्या है, हाफ जो है फोकस है, मतलब फोकस इज द हाफ ऑफ रेडियस, जिस तरह डायमीटर का हाफ रेडियस होता है उसी तरह रेडियस का हाफ क्या है, फोकस है। तो जब दो फोकस को मिलाओगे तो एक रेडियस बनेगा, तो आर लिखते थे आप ट्वाइस ऑफ एफ, रेडियस निकालना है, अगर फोकल लेंथ पूछी है, फोकल लेंथ दी है, रेडियस बोला है फाइंड आउट करेंगे, तो आप ट्वाइस ऑफ एफ फॉर्मूला लगा दीजिए। अब अगर फोकल लेंथ पूछी है तो आप क्या करेंगे, आर बाई टू करेंगे, क्यों भाई, ये जो फोकल लेंथ है, दिस इज द हाफ ऑफ रेडियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपने एक और चीज पढ़ रखी है, मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई स्मॉल एफ, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, बेसिकली मैग्निफिकेशन होती है रेशियो, मैग्निफिकेशन इज दी रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन इज दी रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की हेल्प से आप हाइट वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, साइज वगैरह इमेज का फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज दी, मैग्निफिकेशन इज दी रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब आई बाई ओ, दिस इज दी रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखिए बेसिकली क्या होता है,
अगर आपने डिस्टेंस के टर्म में तो v बाई u लिख सकते हैं, और डिपेंड करेगा v कहां नेगेटिव है। अगर पोल से पीछे इमेज बन रही है तो b आपका नेगेटिव होगा, अगर पोल से आगे बन रही है, जैसे मान लीजिए ये मैंने पोल रखा, अगर इमेज इस तरफ बन रही है, अगर इमेज इस तरफ बन रही है तो नेगेटिव, अगर इमेज आगे को बन रही है तो पॉजिटिव रहेगा बी। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है थोड़ी सी। और उसी तरह आप इन टर्म्स ऑफ हाइट भी ले सकते हैं, मतलब साइज एच आई अपॉन एच ओ। दीज आर दी बेसिक्स, ये बेसिक्स हैं आपके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, लगता है आपको समझ आया होगा। दीज आर दी बेसिक, और कल हम जो है स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू गाइड एंड हैव अ नाइस डे, टेक इट।